वेलकम इन केमिस्ट्री क्लास। तो मैं फिर हाजिर हुआ हूं आपके लिए एक नया टॉपिक लेकर। ये टॉपिक बहुत ही इजी है और काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कंपटीशन पर, बोर्ड लेवल पर सभी में क्वेश्चंस आते हैं। तो मैं इस टॉपिक को पूर्णतः कंप्लीट अच्छी तरह से आपको समझाऊंगा। आप कंसंट्रेट होकर समझें और जो भी इम्पोर्टेंट है उसे लिखते चलें। मैं समझता हूँ आपकी इस टॉपिक से रिलेटेड सभी प्रॉब्लम्स सॉल्व हो जाएंगे। तो मैं स्टार्ट करता हूँ इस टॉपिक को, और ये टॉपिक है मेरा एम्पिरिकल फॉर्मूला एंड मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, अर्थात मूल अनुपाती सूत्र और अणु सूत्र। अब हम आ जाते हैं कि एम्पिरिकल फॉर्मूला क्या है। तो एम्पिरिकल फॉर्मूला या कहें मूल अनुपाती सूत्र, देखो शब्द से ही, इस वर्ड से ही पता चल रहा है कि मूल अनुपात, सिंपल रेशियो, बेसिक रेशियो ऑफ एलिमेंट, अर्थात हम कह सकते हैं कि फॉर्मूला ऑफ कंपाउंड विच गिव्स सिंपल होल नंबर रेशियो ऑफ एटम्स ऑफ एलिमेंट ऑफ कंपाउंड, अर्थात यौगिक का वह सूत्र जो उसमें उपस्थित तत्वों के परमाणुओं का एक पूर्ण सरल अनुपात दर्शाता है। समझ गए ना कि फॉर्मूला ऑफ कंपाउंड विच गिव सिंपल होल नंबर रेशियो ऑफ एटम्स ऑफ एलिमेंट्स इन कंपाउंड। जैसे ग्लूकोज है, तो ग्लूकोज को हम लिखते हैं C6H12O6। अगर हम इसमें कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का रेशियो देखें तो हमें दिखेगा कि कार्बन 1, हाइड्रोजन 2 और ऑक्सीजन 1, 1:2:1, अर्थात CH2O। तो यही क्या बना इसका एम्पिरिकल या मूल अनुपाती सूत्र, एम्पिरिकल फॉर्मूला। ये केवल रेशियो बताएगा, एक्चुअल नंबर ऑफ एटम्स इससे पता नहीं चलेगा। फिर दूसरा होता है मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, अणु सूत्र। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ द कंपाउंड विच गिव्स एक्चुअल नंबर ऑफ एटम्स ऑफ एलिमेंट इन कंपाउंड, वो सूत्र है जो यौगिक के अणु में तत्वों के परमाणुओं की वास्तविक संख्या को दर्शाता है। समझे कि फॉर्मूला ऑफ कंपाउंड विच गिव एक्चुअल नंबर ऑफ एटम्स ऑफ एलिमेंट इन कंपाउंड। फॉर एग्जांपल इन ग्लूकोज फॉर्मूला C6H12O6। तो ये फॉर्मूला क्या बताता है कि ग्लूकोज के वन मॉलिक्यूल में कार्बन के 6, हाइड्रोजन के 12 और ऑक्सीजन के कितने हो गए 6 एटम्स। तो ये एक्चुअल रेशियो बताता है। तो इससे हमें पता चलता है कि एक मॉलिक्यूल में कितने एटम्स हैं, कितने एलिमेंट्स हैं, उनका एक्चुअल रेशियो क्या है। तो इस तरह से अणु सूत्र वो सूत्र है जो वास्तविक संख्या को बताएगा, तत्व के परमाणुओं की वास्तविक संख्या को बताता है एक मॉलिक्यूल में, वो हो गया अणु सूत्र। जबकि एक सरल अनुपात, एक सिंपल रेशियो बताता है, वो है मूल अनुपाती सूत्र। अब आता है कि इन दोनों में क्या रिलेशन है। तो अगर हम इन दोनों में रिलेशन देखें तो हम पाएंगे कि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला अर्थात अणु सूत्र बराबर होता है एम्पिरिकल फॉर्मूला मूल अनुपाती सूत्र इनटू n। अब n क्या है, n इज द नंबर। आप इसे कैसे कैलकुलेट करें, तो ये है फॉर मॉलिक्यूलर मास ऑफ कंपाउंड जो आपको क्वेश्चन में दे रखा होगा, एम्पिरिकल फॉर्मूला मास जो आपको एम्पिरिकल फॉर्मूला दे रखा है, उसके कार्बन हाइड्रोजन जो भी एटम्स हैं उनके एटॉमिक मास को जोड़ लो, वो जो वैल्यू आएगी वो एम्पिरिकल फॉर्मूला मास हो गई। या मॉलिक्यूलर मास इक्वल टू होता है 2 इनटू वेपर डेंसिटी, ठीक है। तो आप वेपर डेंसिटी भी क्वेश्चन में दे रखी है, तो उससे मॉलिक्यूलर मास आ जाएगा एम्पिरिकल फॉर्मूला मास, अर्थात अणु भार बटा मूल अनुपाती सूत्र भार, या 2 गुना वाष्प घनत्व बटा मूल अनुपाती सूत्र भार। तो इस तरह से n की वैल्यू आ जाएगी। फिर n को इसमें मल्टीप्लाई करो,
कन्वर्ट हो जाएगा मॉलिक्यूलर फॉर्मूले में। जैसे कि एम्पिरिकल फॉर्मूला ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड इज CH एंड मॉलिक्यूलर वेट है 78, देन मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ कंपाउंड अर्थात कार्बनिक यौगिक का मूल अनुपाती सूत्र है CH, अणु भार है 78, तो अणु सूत्र क्या होगा? तो सबसे पहले आप n कैलकुलेट करो। n में देखो मॉलिक्यूलर मास कितना दे रखा है 78। CH एम्पिरिकल फॉर्मूला जो है उसका CH है, तो इसका एम्पिरिकल फॉर्मूला मास कितना हो जाएगा कार्बन के 12 और हाइड्रोजन का 1, तो टोटल हो गया 13। तो डिवाइड किया तो आपको कितना मिला 6। अब मॉलिक्यूलर फॉर्मूला निकालना था तो CH into N मतलब है एम्पिरिकल फॉर्मूला into N, तो आपने उसमें मल्टीप्लाई किया तो बन गया C6H6। तो इस तरह से एम्पिरिकल फॉर्मूला से मॉलिक्यूलर फॉर्मूला निकाला जा सकता है, और अगर हमें मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है तो हम एम्पिरिकल में कन्वर्ट कर सकते हैं, उसका सिंपल होल नंबर रेशियो लिख सकते हैं। तो इस तरह से जो एम्पिरिकल फॉर्मूला और मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है दोनों की डेफिनेशन ये लिखी हुई है, आप इसे नोट कर लें, इसका ये फॉर्मूला रिलेशन ले लें, इसका एक एग्जांपल लिख लें, फिर हम देखेंगे कि जो एम्पिरिकल फॉर्मूला है वो कैसे कैलकुलेट करते हैं। ओके, तो मैं अगला टर्म बताता हूँ, पहले आप इसे कंप्लीट करें, तो कंप्लीट कर लें। तो अभी आपको मैंने एम्पिरिकल फॉर्मूला और मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बताया, उनके रिलेशन बताया। अब आता है कि आपको जब क्वेश्चन मिलता है कि अगर आपको किसी का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला डिटरमाइन करना है तो डायरेक्ट आपको एम्पिरिकल फॉर्मूला नहीं दिया जाएगा, मूल अनुपाती सूत्र नहीं दिया जाएगा, बल्कि इसमें आपको एलिमेंटल परसेंटेज दे रखा होता है तत्वों का प्रतिशत। तो उस परसेंटेज को हम कैसे एम्पिरिकल फॉर्मूले में चेंज करते हैं उसके लिए मैंने ये पूरी मेथड लिखी है। तो देखो सबसे पहले क्या करना है कि आपको एम्पिरिकल फॉर्मूला जब डिटरमाइन करना है तो सबसे पहला पॉइंट है कि कैलकुलेशन ऑफ नंबर ऑफ एटम्स ऑफ एलिमेंट अर्थात तत्वों के परमाणुओं की संख्या की गणना करनी है। फिर क्या करोगे, तो उसको कैसे कैलकुलेट करोगे, नंबर ऑफ एटम्स परमाणुओं की संख्या जो है, तो यहां पर जो हमारे पास जो भी एलिमेंट का परसेंट दे रखा होगा उसको आप किससे डिवाइड कर दोगे, एटॉमिक मास। मतलब ये मान लें कि 100 ग्राम दे रखा है तो परसेंटेज ही क्या हुआ, एलिमेंट की अमाउंट हो गई, उसे आपने किससे डिवाइड कर दिया, एटॉमिक मास से, अर्थात तत्वों का जो भी प्रतिशत है उसे आप किससे डिवाइड करना है, परमाणु भार से। फिर क्या करना है कि जब आप सबके एटम्स कैलकुलेट कर लें तो फिर आता है रिलेटिव नंबर ऑफ एटम्स डिटरमिनेशन अर्थात एक के रिस्पेक्ट में दूसरे के एटम्स कितने टाइम्स हैं, उसको रिलेटिव नंबर बोलते हैं। तो क्या करना है आपको कि रिलेटिव नंबर निकालने के लिए, सापेक्ष संख्या निकालने के लिए जिस भी एलिमेंट का आप रिलेटिव नंबर निकाल रहे हैं उसके एटम्स लें जो यहां से मिलेंगे, और जो सबसे लोएस्ट नंबर ऑफ एटम्स वाली वैल्यू है उससे डिवाइड करना है, मतलब नंबर ऑफ एटम्स अपॉन लोएस्ट नंबर ऑफ एटम वैल्यू अर्थात तत्व के परमाणु की संख्या को आपको न्यूनतम परमाणु संख्या से क्या कर देना है बच्चों, डिवाइड करना, इससे ना रिलेटिव नंबर आ जाएगा। एक्चुअल में ये जो रिलेटिव नंबर आएगा यही एलिमेंट का एक क्या बताएगा, सिंपल होल नंबर रेशियो। कई बार ऐसा होता है कि ये वैल्यू कैलकुलेशन में मान लो होल नंबर पर नहीं आ रही है, तब आपको क्या करना है कि किसी एक ऐसे सूटेबल नंबर से सारे रिलेटिव नंबर को मल्टीप्लाई कर देना है जिससे वो किस में चेंज हो जाए, एक होल नंबर में। जैसे मान लो किसी का 1 आ गया, ये रिलेटिव नंबर, एक का 1.5 आ गया और एक का 2.5 आ गया, तो आपको उसमें 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो सब रिलेटिव नंबर वही के वही है, बस उनकी थोड़ा वैल्यू चेंज होगी। तो इस तरह से आपको यहां जो रिलेटिव नंबर का जो नंबर मिलेंगे वही एक्चुअल में उसका क्या होगा, एक एक्चुअल रेशियो, उसी से बन जाएगा आपका एम्पिरिकल फॉर्मूला अर्थात मूल अनुपाती सूत्र। तो पहले आप इसे नोट कर लें, फिर मैं आपको एग्जांपल देके समझाता हूं। तो मैंने आपको ये 3 क्वेश्चंस दिए हैं, है ना, मैं इनको सॉल्व करके बताता हूं, और इस तरह के और भी क्वेश्चंस आपको असाइनमेंट में मिलेंगे, एक्सरसाइज में मिलेंगे, उनको आप सॉल्व करना, लेकिन इनको पहले देख लें आप, इसी मेथड से आप
सॉल्व करो। तो मैंने आपको इंप्रिकल फॉर्मूला कैसे निकालते हैं वो पूरी मेथड बता दी, बाकी इंप्रिकल फॉर्मूला और मॉलिकुलर फॉर्मूले में क्या रिलेशन है वो पहले बता दिए मैंने, उसी बेस पर हमें कंपाउंड के क्या निकालने हैं, मॉलिकुलर फॉर्मूला। देखो आप पहले इन क्वेश्चन को लिखें, नोट करें, तो मैं समझता हूं आपने इनको नोट कर लिया होगा। अब मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करता हूं, मिटा देता हूं मैं इनको, ओके, यहां से मिटा देता हूं। अब देखो हमारा पहला क्वेश्चन है कार्बन, आंसर नंबर अगर हम फर्स्ट देखें तो हम यहां ऐसा इस तरह से टेबल बना के समझे तो बहुत इजी समझ में आ जाएगा। यहां पर हम ले एलिमेंट, ठीक है, यहां है इनका परसेंटेज, यह हो जाएगा नंबर ऑफ एटम्स, यह हो जाएगा हमारा रिलेटिव नंबर, और यह हो जाएगा सिंपल रेशियो, ओके, ये तो समझ गए होंगे। परमाणु संख्या, परमाणु, यह हो गया सापेक्ष संख्या, रिलेटिव नंबर, सापेक्ष संख्या, और ये है हमारा सरल अनुपात। तो हमारे पास है कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, ये है 40%, ये है 6.6%, और जो बाकी बचा 53.4%। मैं एक बात बता दूं आपको कि अगर किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड में कार्बन और हाइड्रोजन का परसेंटेज दे रखा है और वो उनका सम 100 नहीं होता, अर्थात उनका योग 100% नहीं हो रहा है, तो बाकी जो परसेंट बचा या जो भी बचता है वो ऑक्सीजन मान ली जाती है, वो ऑक्सीजन का परसेंट इंडिकेट करता है। तो इस तरह से यहाँ पर हो जाएगा 40/12, तो ये हमारा कितना जाएगा 3.3 के करीब। यहां पर हो जाएगा 6.6/1, तो ये हो गया 6.6, और यहां हो जाएगा 53.4/16, तो ये भी लगभग 3.3 आ गया। इन दोनों में जो लोवेस्ट नंबर है 3.3 है, तो हम यहां पर लिखेंगे 3.3/3.3, तो ये कितना आ गया 1, 6.6/3.3, तो ये कितना आ गया 2, और ये 3.3/3.3, तो ये कितना आ गया 1, तो 1:2:1, अर्थात हम यहां पर कहें कि हमारा जो इंपिरिकल फॉर्मूला आया, ओके, तो वो हमारा जो इंपिरिकल फॉर्मूला आ गया वो क्या आ जाएगा, सी एच और ओ अगर देखें तो 1:2:1, अर्थात ये क्या हो जाएगा सी एच टू। अब हम इसका इंपिरिकल फॉर्मूला मास मूल अनुपाती सूत्र भार देखें, इंपिरिकल फॉर्मूला मास, तो हमारे पास सी एच टू ओ का हो जाएगा 30, कार्बन के 1, हाइड्रोजन के 2, तो हो गया 14, और 16 और ऐड कर दें तो हो गया 30। तो n की वैल्यू कितनी हो जाएगी, यहां पर मैंने आपको मॉलिक्यूलर मास दे रखा है, तो 180/30, तो ये कितना आ गया आपके पास 6। तो आपके पास मॉलिक्यूलर फॉर्मूला जो बना आपका वो हो जाएगा CH2O × 6, मतलब C6H12O6। तो इस तरह से आपने इनके परसेंटेज बेस पर क्या निकाल दिया, एक इंपिरिकल फॉर्मूला निकाला आपने और मॉलिक्यूलर फॉर्मूला निकाला। तो आप इसे नोट कर लें, मैं समझता हूं आप इसको नोट कर लिया। अब मैं दूसरा क्वेश्चन बता दूं, देखो दूसरे क्वेश्चन में अगर आप फिर चले यहां पर इसको फिर मिटा दें पूरा और हम इसको सॉल्व करते हैं कि दूसरा जो हमारा रिलेशन आएगा, दूसरा फॉर्मूला क्या हो जाएगा। देखो हमारे पास है ये 40%, 5.585, बाकी इनके सम में से माइनस कर दो आपके पास ये बचा, तो ये हो जाएगा 40/ कितना हो गया 12, 6.6/1, और ये हो जाएगा 53.4/ में क्या जाएगा कितना बचा रहा है 54.4, ठीक है, तो ये जो भी है तो ये आ जाएगा 60। अब आप इसके तो 3.3 करीब आ गया, 6.6 आ गया, कितना था 40.2, तो ये था हमारे पास 40.687, यहां पे मैं लिख दूंगा सॉरी, तो यहां पर आ जाएगा पहले हमारा 40.687, हाइड्रोजन है 5.085, और ये हो जाएगा हमारा कितना है ये 54.228। अब यहां आ जाए हम 40.687/12, ये हो जाएगा 5.085/1,
और ये कितना हो जाएगा हमारा 54.228 अपॉन कितना हो गया 16। देखो ये कितना आ रहा है, तो ये आ जाएगा आपका 3.4, तो ये तो वही आ जाएगा 5.085, तो ये आ जाएगा लगभग वही अप्रोक्सीमेट 3.4। तो 3.4 अपॉन 3.4 तो ये हो गया 1, 5.085 अपॉन 3.4 तो लगभग ये 1.5 आएगा, और 3.4 अपॉन 3.4 तो ये हो गया 1। क्योंकि ये हमारे पास क्या नहीं है, यहाँ पर होल नंबर नहीं आ रहा है, तो हम इसको 2 ले लें, तो ये 3, तो ये कितना हो गया 2। अब आपका जो एम्पिरिकल फॉर्मूला निकला वो देखो आप क्या हो जाएगा, आपके पास 2, 3 और 2, तो हो गया ये हमारे पास हो गया C2H3O2। इसका एम्पिरिकल फॉर्मूला मास अगर आप कैलकुलेट करेंगे तो C2H3O2 तो ये आएगा 59, और वेपर डेंसिटी कितनी दी गई है 59। तो n की वैल्यू आप कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो यहां हो जाएगा आपका 2 * वेपर डेंसिटी अपॉन में कितना हो जाएगा 59, मतलब 2 * 59 / 59, तो ये कितना आ गया 2। तो आपके पास जो फॉर्मूला बनेगा अब वो होगा C2H3O2 * 2, तो हो गया C4H6, और ये कितना हो जाएगा O4। तो इस तरह से आपके पास जो फॉर्मूला बन के तैयार हुआ वो इस तरह से C4H6। तो जब मैंने देखा कि जब होल नंबर नहीं आता है तो इस तरह से कन्वर्ट कर लें। तो दो क्वेश्चन सॉल्व कर दिए मैंने, एक लास्ट क्वेश्चन और सॉल्व कर देता हूं आपको, तो आप इसे पहले नोट कर लें। अब आपने नोट कर लिया होगा, अब हम इसको हटा दें। अब देखो इसमें आपको कौन से एलिमेंट, देखो क्वेश्चन है कि व्हेन हाइड्रेटेड सॉल्ट इज हीटेड लॉस इन मास इज 51 इफ द परसेंटेज ऑफ एलिमेंट इन, मतलब ये लिखा है कि लवण को जल योजित, ये तो आपने क्वेश्चन में लिख ही दिया। अब मैं इसमें यहां देखूं, पहले आपको देखो कि यहां पर आपको मैग्नीशियम MgS और O ये कितना है 20, ये कितना है 26.66, और आपके पास ये है 53.33, तो ये कितना हो जाएगा, यहां पर आपको एटम्स निकालने हैं, तो ये हो जाएगा 20/24, ये हो जाएगा 26/66/32, और ये हो जाएगा 53.33/16। तो यहां पर ये जो देखो कितना आता है, तो ये था 0.83 और ये आ जाएगा 0.83, और इसकी कैलकुलेशन करने पर ये आएगा 3.33। अगर आप इसमें लोवेस्ट नंबर देखें ये है, तो ये हो गया 1। अगर आप 2 मिनट, ये हो जाएगा यहां पर आ जाएगा 0.83 और ये हो जाएगा 3.33। समझ गए ना, 20/24, 26/32 और 15.33, तो ये हो गया 1, ये हो गया 1, और अगर आप इसमें मतलब ये हो गया आपके पास 0.83/0.83 तो 1, 0.83/0.83 तो 1, 3.33/0.83 तो लगभग 4 आ जाएगा। तो आपके पास 1 और ये क्या मिला 4। तो आपके पास एम्पिरिकल फॉर्मूला जो मिला वो हो गया MgSO4। इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला भी यही है, क्योंकि इसमें हमें अलग से एंटी वैल्यू नहीं दे रखी, ये मॉलिक्यूलर मास नहीं दे रखा, तो हम इस एनहाइड्रस सॉल्ट का मॉलिक्यूलर मास, तो यही इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला भी है। ये है किसमें, एनहाइड्रस स्टेट निर्जल, ठीक है निर्जल, जब आप इसमें क्या नहीं जुड़ा हुआ है जल। अब अगर इसका मॉलिक्यूलर वेट कैलकुलेट करोगे तो आप इसका 24/96, तो ये आएगा 120। तो यहां तक तो हो गया क्या, एनहाइड्रस का फॉर्मूला। तो आपने MgSO4 की एनहाइड्रस स्टेट का फॉर्मूला अर्थात निर्जल अवस्था का फॉर्मूला कैलकुलेट कर लिया। अब इसमें पूछा जाए कि हाइड्रेटेड स्टेट का क्या होगा, तो हाइड्रेटेड स्टेट में जब हम कैलकुलेट करते हैं तो मैंने आपको एक फॉर्मूला वो बताया था कि जब आप क्या करोगे कि हाइड्रेटेड स्टेट में कैलकुलेट करोगे तो पहले निकालोगे वाटर अमाउंट, ठीक है, तो वो होता है परसेंटेज लॉस अपॉन 100 माइनस परसेंटेज लॉस इनटू
मॉलिक्यूलर वेट ऑफ एनहाइड्रस सॉल्ट। तो एनहाइड्रस सॉल्ट मतलब निर्जल लवण का अणुभार। ठीक है, पहले आप इसको नोट करें, फिर मैं आगे इसका सॉल्यूशन बता देता हूं। आप तो देखो, मैंने यहां तक बता दिया आपको कि एनहाइड्रस सॉल्ट का फॉर्मूला निकाल दिया आपने, निर्जल लवण का जो सूत्र है वो निकला है, उसका अणुभार मॉलिक्यूलर वेट कितना आ गया 120। फिर हमें निकालना होता है वाटर अमाउंट कितनी है अगर वो हाइड्रेटेड होता है, तो लॉस कितना हुआ अर्थात कितनी द्रव्यमान में कमी आई, 100 माइनस लॉस की उसमें जो है परसेंटेज लॉस को माइनस करके यहां दे रखी है मॉलिक्यूलर वेट ऑफ एनहाइड्रस सॉल्ट। मतलब है कि इतना वाटर इतने सॉल्ट से जुड़ा था, तो मॉलिक्यूलर वेट के बराबर जो सॉल्ट था उसमें कितना वाटर रह रहा हो। तो इस फॉर्मूले से निकला है कि निर्जल लवण का अणुभार मतलब निर्जल लवण का आपको क्या कर देना है, यहां इनटू क्या कर रखा है अणुभार। तो इसको जब आपने ये देखा कि आपको 51.12 लॉस है, 100 माइनस परसेंटेज लॉस इनटू 11, ये इसका मॉलिक्यूलर वेट यहां से लिया है। इसको सॉल्व किया तो कितना आ गया 126 ग्राम, ये आ गया इसका कि जो उसने वाटर हाइड्रेटेड स्टेट में ले रखा है, तो ये आ गया। और इसको मोल में चेंज किया तो 7। तो हमारा फॉर्मूला बना हाइड्रेटेड सॉल्ट का जली लवण का जो है वो हो गया MgSO4 × 7H2O। तो इस तरह से आपने पूरा सॉल्व करके देखा सॉल्ट का। तो इस तरह के बहुत सारे क्वेश्चंस के जो लास्ट में हैं उसमें सॉल्ट दे रखा है एनहाइड्रस स्टेट में, एब्जॉर्ब करके उसको हाइड्रेटेड स्टेट में चेंज हो गया, तो वो हाइड्रेटेड स्टेट में से आप इनिशियल अमाउंट माइनस कर दोगे ना, तो वो वाटर की क्या कैलकुलेट हो जाएगी अमाउंट, उसको मोल में चेंज करके और ऐड कर दो, तो ZnSO4 के साथ कितने वाटर मॉलिक्यूल ऐड हो सकते हैं वो निकलेगा। तो इस तरह से मैंने आपको एम्पिरिकल फार्मूला और मॉलिक्यूलर फार्मूला दोनों का डिटरमिनेशन कैसे करते हैं उसको समझाया। मैं समझता हूँ आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। आप इससे रिलेटेड सारे क्वेश्चन करके देखो, अब आपसे बहुत इजी बन जाएंगे। तो ओके, तो आप इसे नोट कर लें। थैंक यू।